हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। बड़े दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर प्लीज मुगल काल पढ़ाइए, मुगल काल पढ़ाइए। लो, शुरू हो गया आपका मुगल काल। और इस मुगल काल में हमने दो लोगों के बारे में तो विस्तार से देख ही चुके हैं, बाबर की कहानी पूरी पढ़ चुके हैं और उसके बाद हुमायूं की। देन हम लोगों ने शेरशाह सूरी को कवर किया और विक्रमादित्य हेमू को कवर किया। साथ ही साथ जो भी उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में भी पढ़ा गया। अब आगे की कहानी शुरू होती है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से और पूरा मुगल पीरियड आपके सामने चलता रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर सीरियल क्रम क्या है। तो जिनको सीरियल नहीं पता है, चाहे एंशियंट हिस्ट्री हो चाहे मेडिवल हो, जब भी आप स्टडी 91 सर्च करते हो ना, तो थर्ड नंबर पे ऑप्शन देता है प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे फोल्डर बना होगा एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट सीरियल वाइज मैंने सेट कर दिए हैं कि आपको किस क्रम में पढ़ना है। तो प्लीज आप लोग कमेंट देकर परेशान न किया करें हमें, और आप लोग वहाँ से जाके लाइन बाई लाइन पढ़ते जाएं। ठीक है, किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि किसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा, क्योंकि मैंने खुद ब खुद उस टॉपिक को सेट किया है। ओके, चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से। मैं इनके नाम के आगे महान तो नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि इनके बारे में मैंने जो कुछ भी पढ़ा है अब तक, जो कुछ भी जानता था वो एकदम अलग था। लेकिन अभी हाल ही में मैंने 2-4 दिन पे रिसर्च करने के बाद इनके बारे में जो कुछ भी जाना हूँ, उस जानने के बाद से मैं इनके नाम के आगे महान नहीं लगा सकता। कुछ लोग बोलते हैं ना अकबर महान, तो वो बोल सकते हैं शायद उनको अकबर की महानता के बारे में पता नहीं होगा। ठीक है, अकबर क्यों महान था, कैसे महान था, बहुत सारे इसके विपरीत में भी साक्ष्य हैं, इसके पक्ष में साक्ष्य हैं, तो मैं सब कुछ आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन प्लीज, कोई राजनीति टाइप की चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीखने बैठे हो तो आराम से सीखिएगा, तो मैं सब कुछ बताऊंगा, दोनों फैक्ट बताऊंगा कि क्यों इसको महान कहा जाता है, और ये भी बताऊंगा कि क्यों इसको महान नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल तो अपनी कहानी शुरू करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में सब डिस्कस करेंगे। 1542 से लेकर के 1605, ठीक है, 1542 में इसका जन्म हुआ है, अकबर का जन्म। अभी देखो, अकबर के जन्म की अगर हम बात करें तो आपको समझना पड़ेगा कि जब हुमायूं ने बिलग्राम का युद्ध लड़ा, पहले चौसा का युद्ध लड़ा किससे, शेरशाह सूरी से, तो बुरी तरह परास्त हुआ। अगली बार फिर 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध लड़ा, जिसको कन्नौज बोलते थे, ठीक है ना, कन्नौज में। तो वहां पे जब युद्ध लड़ा तो शेरशाह सूरी ने इसको भारत से बाहर खदेड़ दिया, हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया। और हुमायूं गया कहाँ, हुमायूं भारत से बाहर राणा वीरसाल के महल के पास पहुंचा। वहां जा करके, ठीक है, वहां पे मतलब इसको एक निवास स्थान मिला कि ठीक है हम यहाँ रहेंगे। और इस तरह से फिर बताऊंगा आगे आपको कहानी, अभी एक शॉर्टकट में जो मैं बनाना चाह रहा हूँ थीम वो समझिए आप। तो राणा वीरसाल के महल में ही अकबर का जन्म हुआ है। इसकी माता का नाम था हामिदा बानो, ठीक है, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। पिता का नाम हुमायूं था। और 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, बात आती है कि यार ये अकबर का नाम अकबर ही क्यों पड़ा। कई बार शायद एक दो लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा भी था सर कि अकबर का नाम अकबर क्यों पड़ा था, तो मैंने उस समय उनको रिप्लाई दिया था। फिलहाल आज टाइम आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। अकबर के जो पिता थे हुमायूं, हुमायूं का एक भाई था हिंदाल, याद है आपको हिंदाल, ठीक है, चार भाई थे ना हुमायूं के, चार भाई थे ना, मैंने आपको बताया था बाबर के चार लड़के थे, हुमायूं, हिंदाल, कामरान, अस्करी, ठीक है ना। तो ये चार भाई थे, तो उसमें एक था हिंदाल। हिंदाल जो है काबुल वाले क्षेत्र पर राज करता था, ठीक है। और हिंदाल के गुरु थे जिनका नाम था, सिया गुरु थे मीर बाबा, इनके गुरु का नाम था मीर बाबा। इन्हीं को शेख अली अकबर के नाम से जाना जाता था। इन्हीं की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, इन्हीं की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, जिनसे विवाह हो गया किसका, हुमायूं का। बात को समझिएगा, हुमायूं के भाई के गुरु की पुत्री थी कौन, हमीदा बानो बेगम, जिससे विवाह हो गया किसका, हुमायूं का। आगे चल के, अच्छा, इसका नाम भी अकबर है, ठीक है, तो अकबर के नाना का नाम भी अकबर था, आप ऐसे समझ सकते हो, अकबर के नाना जी का नाम भी अकबर था और उन्हीं के नाम पे इनका नाम अकबर पड़ा। फिलहाल जो भी हो, कई सारे किताबों में कई सारे तथ्य दिए हैं, तो जो एक आध तथ्य ज्यादा है उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा हुमायूं की जब मृत्यु होती है, भाई सीढ़ियों से गिर कर उसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद उस समय जो अकबर था, अकबर कालानौर में रहता है, इसी राणा वीरसाल के महल के पास कालानौर नामक जगह है, उस कालानौर में था। और बाल्यकाल में ही अकबर को जो है सूबेदारी मिल चुकी थी, गजनी की सूबेदारी कर रहा था, लाहौर की सूबेदारी कर रहा था, तो बड़ा टैलेंटेड हो चुका था। इसका फोकस पढ़ाई लिखाई पर नहीं था,
पढ़ाई लिखाई पर कोई फोकस नहीं था, पढ़ाई लिखाई के अलावा अन्य शिक्षा दीक्षा में निपुण हो चुका था। इसके पिता की मृत्यु के बाद संरक्षक के रूप में बैरम खां ने, आगे बताऊंगा बैरम खां की कहानी, बैरम खां ने 14 फरवरी 1556 को, ठीक है, जब ये 14 वर्ष का मात्र था उस समय इसको बादशाह घोषित कर दिया। यही कालानौर में ही, कालानौर में ही इसको बादशाह घोषित कर दिया। ना ही इसकी कोई सेना, ना ही कोई राजगद्दी, बस ऐसे ईंट का एक सिंहासन बनाकर टेम्परेरी रूप से अकबर को क्या बना दिया गया, बादशाह बना दिया गया। बात को समझिएगा, किसने बनवाया, बैरम खां ने, ठीक है। और उसकी बादशाहत के लिए जो मतलब मुकुट दिया, पहनाया, वो सब काम किसने किया, तो मिर्जा अबुल कासिम ने। मिर्जा अबुल कासिम की सहायता से बैरम खान ने इसको क्या कर दिया, बादशाह बना दिया। अब देखो, बैरम खां जो था वो संरक्षक था, क्योंकि अकबर जो है वो वयस्क है, 18 साल से कम उम्र का है, तो उसके संरक्षक के रूप में काम कौन करने लगा, बैरम खां। बैरम खां 1556 से लेके 1560 तक प्रधानमंत्री भी रहा, किसका, अकबर का, ठीक है। अब हुआ क्या, बैरम खां ने इसको गद्दी पर बैठाने के बाद बोला, चलो अकबर चलते हैं, अब दिल्ली सल्तनत पर राज करने का समय आ चुका है, दिल्ली सल्तनत पर राज करने का समय आ चुका है। और बैरम खां अकबर को लेकर निकल चल पता है। इधर क्या होता है कि विक्रमादित्य हेमू भी दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए तैयार है, और एक जोरदार लड़ाई होती है। बैरम खां और अकबर मिलकर लड़ते हैं किससे, विक्रमादित्य हेमू से। और मैंने बताया था आपको कि यह युद्ध जाना जाता है पानीपत द्वितीय के नाम से, जो कि लड़ा गया था 1556 ईस्वी में, ठीक है। उस बेजोड़ लड़ाई में कंफर्म थी कि मुगलों की हार होगी, एकदम 100% श्योर था कि मुगलों की हार होगी, लेकिन क्योंकि विक्रमादित्य हेमू बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विक्रमादित्य हेमू को धोखा दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये टूट चुका था। और इतना ही नहीं, इस लड़ाई में बिना किसी के भी ये जीत सकता था, लेकिन हुआ कंडीशन ये कि इसके आंखों में एक तीर आके चुभ गई, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया, और इसके फिर क्या कर दिया गया, सेना में भगदड़ मच गई और इसकी सेना भाग गई इधर उधर, ठीक है। उसके बाद बैरम खान ने क्या किया, अकबर के इशारे पर इसका सर धड़सड़क कर दिया, और इसके सर को इसके पिता के पास काबुल भेज दिया, और आधी शरीर को दिल्ली के दरबार पर ले जाके लटका दिया कि अब यहाँ पे किसका शासन होगा, मुगलों का शासन होगा। इस युद्ध में दोस्तों भारी मानव क्षति हुई थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। और इस युद्ध में बैरम खां से बड़ा ही प्रसन्न होता है अकबर कि बैरम खां ने मेरा साथ दिया, पहली लड़ाई में हमको जो जिता दिया, और खुश हो जाता है। और अकबर ने उसे एक उपाधि दी, खाने खाना, समझिए बात को, अकबर ने क्या उपाधि दी, खाने खाना की उपाधि। बैरम खां भी बड़ा ही योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति था, जैसे कटप्पा था ना बाहुबली के लिए, ठीक है, तो उसी तरह से क्या था, बैरम खां भी अकबर के लिए जान छिड़कता था, ठीक है। मुगल साम्राज्य के लिए जो कहो न्यौछावर होने के लिए हर पल तैयार रहता था। तो बैरम खां बड़ा ही योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति था। 1556 से 60 तक वह अकबर के इतना करीब पहुंच चुका, इतना करीब पहुंच चुका कि राजमहल के कई लोगों ने मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। बात को समझिएगा, ठीक वही वाली हाल है जैसे कटप्पा को फंसाने के लिए और लोगों ने षड्यंत्र रचा था, ठीक उसी तरह से अकबर और बैरम खां के बीच में ये जो प्यार मोहब्बत चल रहा था, जो इतना करीबी का रिश्ता चल रहा था, इस यह कई लोगों को शोभा नहीं दे रहा था, और कई लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रच दिया। और पता है जब षड्यंत्र रचा जाता है ना, तो जिसके लिए भी रचा जाता है वो तो छला ही जाता है, ठीक है। और बैरम खां के लिए षड्यंत्र रचा गया। अब उस षड्यंत्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए अकबर जो ये टॉपिक चला ना, अकबर बहुत बड़ी टॉपिक है, अकबर को मैं बहुत डिटेल में लेके चलूंगा, बहुत अच्छे से हम लोग अकबर के बारे में कवर करेंगे, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो साजिश चल रही थी अकबर को, अकबर को तो पता नहीं चला, ठीक है, अकबर के करीबी के साथ साजिश चल रही थी, और अकबर को पता इस बात का भनक भी नहीं था, जैसे बाहुबली को भनक नहीं था कि कटप्पा को मिलाकर के कोई साजिश रची जा रही है, उसी तरह से बैरम खां जो है इसको इसके खिलाफ जो साजिश रची जा रही, इसको बैरम खां को तो पता चल गया। बैरम खां अकबर को ये सारी बातें बताता उसके पहले ही फुल माहौल बिगड़ चुका था। मैं उस साजिश के बारे में बताता हूँ, उस षड्यंत्र में शामिल कौन कौन था, तो स्पेशल लोगों का नाम गिना रहा हूँ, हमीदा बानो बेगम, खुद अकबर की माँ, खुद अकबर की माँ। दूसरा माहम अनगा, ये इन्होंने अकबर को पाल पोस के बड़ा किया था, धाय माँ थी ये, क्या थी, धाय माँ थी। और इनका लड़का धाय माँ का पुत्र था आदम खां, कहीं कहीं इसको अधम खां भी लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना। ये तीन बड़े षड्यंत्रकारी थे,
ठीक है। एक्चुअली अकबर की माँ इस बात से क्यों नाराज थी, उनको ये था ना कि 1556 ईस्वी में जब बैरम खां संरक्षक बना अकबर का, तो लोगों के दिमाग में उस समय कुछ नहीं था। एक दो साल तक जब वो इतना करीबी बनने लगा ना, तो लोगों को लगा यार कि शासन व्यवस्था जो हमारे हाथ में आनी चाहिए, शासन व्यवस्था जो है वो हमारे हाथ में आनी चाहिए। और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा करीबी कौन बनता चला जा रहा है, बैरम खां बनता चला जा रहा है। बैरम खां होता कौन है राजा को कंट्रोल करने वाला? तो इन सारी बातों को लेकर के ये लोग बड़ा चिंतित थे। इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया था, इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया था। महामनगा का तो खुद एक ग्रुप चलता था जिसको हरम दल कहा जाता था। हरम दल, आगे बताऊंगा हरम दल के बारे में, अभी सुनते चलिए। इसके बाद क्या होता है कि इस षड्यंत्र में लोगों ने अकबर को अपनी तरफ कर लिया। किसने? हमीदा बानो बेगम, महामनगा, आदम खां, इन लोगों ने क्या कर दिया, अपने तरफ कर लिया। और अकबर जो है वो बैरम खां को अप्रिय और क्रूर समझने लगा। सोचिए, जो व्यक्ति अकबर के इतने करीब था, आज वही व्यक्ति क्या हो गया अकबर के लिए, अप्रिय और क्रूर हो गया। तो कौन कहता कि अकबर दूरदर्शी था, कौन कहता अकबर दूरदर्शी था? ठीक है, आगे की कहानी सुनिए। और हुआ क्या कि एक आदेश जारी किया अकबर ने बैरम खां के खिलाफ कि ऐसा है, अब वक्त आ गया कि शासन की बागडोर क्यों ना अपने हाथों में ले ली जाए। ठीक है, बैरम खां मना भी कैसे करता, बादशाह अपने शासन को अपने हाथों में लेना चाह रहा था और अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, 4 साल बाद ही अकबर ने, जैसे ही 18 वर्ष का हुआ, शासन की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया और बैरम खां को बोला कि बैरम खां कृपया करके आप मक्का चले जाइए, आप एक यात्रा पर क्या करिए, मक्का चले जाइए। वो बैरम खां को अपने से दूर करना चाह रहा था, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहा था, और इस भाई मार भी नहीं सकता था उनको, क्योंकि बहुत सारे युद्ध लड़े थे, अकबर के संरक्षक के रूप में था, तो कहीं ना कहीं एक प्यार था। लेकिन हुआ क्या कि बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दे दिया। इस राजाज्ञा को बैरम खां ने स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं मक्का जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति था पीर मोहम्मद, वो भी षड्यंत्रकारियों में शामिल था। पीर मोहम्मद सेनापति था, छोटे से तो छोटे सेना की टुकड़ी का। और पीर मोहम्मद ने 1560 में वापस गया बैरम खां के पास और बैरम खां से कहा झूठ मूठ का कि अकबर चाहता है, बादशाह चाहते हैं कि आप जल्दी रवाना करें, आप यहां से जल्दी रवाना हो जाए। इन सब बातों से क्रुद्ध हो गया बैरम खां कि यार मैं तो जा ही रहा हूं, मैं तो जा ही रहा हूं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे धक्के मारकर मुझे यहां से बाहर निकाला जा रहा है। मैं भाई, किसने जीता था, हेमू को हराना अकबर की बस की बात थी? 14 साल का लौंडा हरा देगा कि हेमू को? पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। बैरम खां की कहीं कहीं दूरदर्शिता ने ही इस चीज को साथ दिला और मुगलों को उसकी गद्दी तक वापस लाया। कौन मुगल आते हैं, हुमायूं की ऐसी की तैसी हो गई थी, हेमू से लड़ना मामूली बात नहीं था। अगर बैरम खान नहीं रहा होता तो कोई चांस नहीं रहता, 1% का चांस नहीं था कि अकबर इस लड़ाई को जीत पाता। तो बैरम खान को भी लगा यार कि ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, वो चिढ़ गया और विद्रोह करने पर उतारू हो गया कि अब तो मैं विद्रोह ही करूंगा, लोगों को यही डर है तो अब मैं क्या करूंगा, विद्रोह करूंगा। उसने विद्रोह छेड़ दिया। अकबर ने तुरंत अपने एक सेनापति को कहाँ भेजा, इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। सेनापति टिकेंगे बैरम खां के सामने? बैरम खां ने दौड़ा दौड़ा के मारा सबको, पूरी सेना की हालत खराब कर दिया, सेना तितर बितर हो गई। ये बात अकबर को पता चला, अकबर ने स्वयं शस्त्र उठा लिया कि ठीक है मैं खुद बैरम खां का सामना करने जाऊंगा। कंडीशन देखिए, जो इतना प्रिय था उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रचते आज ये कहाँ पहुंच गया है। अकबर स्वयं निकल गया पंजाब की तरफ, लेकिन बैरम खान ने सरेंडर कर दिया। बैरम खान नहीं चाहता था कि वो जो है खुद जो है अकबर से लड़े, उसने तुरंत अधीनता स्वीकार कर ली कि प्रभु आप चाहते हैं तो अधीनता स्वीकार कर लेता हूँ। इनके सेनापति को तो इतना दौड़ा के मारा था कि इनको शिवालिक की पहाड़ियों में छुपने की जरूरत पड़ गई, इनको शिवालिक की पहाड़ियों पर छिपने की जरूरत पड़ गई। बैरम खां की बात बताऊंगा यहाँ पे। बैरम खां 1561 में फिर से मक्का जाने के लिए तैयार हुआ और रास्ते में एक अफगान सरदार था जिसने इसकी हत्या कर दी। भाई अफगान सरदार ने इसकी हत्या क्यों कर दी, इसके पीछे भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक युद्ध हुआ था दोस्तों, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने इस अफगान सरदार के पिता की हत्या की थी और उसी का बदला लेने के लिए बैरम खां की हत्या उस अफगान सरदार ने कर दी। इसके बाप को मारा था बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में,
ठीक है, और उसी का बदला इसने ले लिया और बैरम खां को 1561 में हत्या कर दिया। इस हत्या से तो षड्यंत्रकारी बड़े खुश हुए, जैसे पीर मोहम्मद, हमीदा बानो बेगम, महामनगा, आदम खां, ये सब बड़े खुश हुए। ठीक है, लेकिन अकबर को थोड़ा सा कष्ट था मन में, थोड़ा सा कष्ट था कि इतना प्रिय जो है शासक अब वो चला गया। ठीक है, और अकबर ने अब क्या किया कि उसका एक पुत्र था, अच्छा एक चीज और बताऊं, बैरम खां का एक पुत्र था अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, ठीक है, और जो है अब्दुल रहीम उस समय मात्र 4 वर्ष का था, और अब्दुल रहीम को इसने खान खाने की उपाधि थी, अभी नहीं थी, बाद में देता है, अभी पहले आगे की कहानी सुनिए, थोड़ा सा मैं यहाँ कोरलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। महामनगा के बारे में थोड़ा सा लेके चलता हूँ। महामनगा जो कि धायमा थी, यह एक कटु राजनीतिज्ञ महिला थी। ठीक है, दिल्ली में इसने एक खैरुल मनाजीत नाम से एक मदरसा भी बना रखा था। ठीक है, बहुत ही कटु राजनीतिज्ञ थी। और अब बैरम खां की मृत्यु के बाद ये हुआ कि यार वजीर आजम किसको बनाया जाए, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री का पद वही देख रहा था, तो एक बड़ा पद होता है ना वजीर आजम, तो ये हुआ वजीर आजम का पद किसको दिया जाए, तो धायमा चाहती थी कि वजीर आजम का पद उसके पुत्र को मिले, आदम खां को मिले, लेकिन क्योंकि अकबर भाई, अकबर ये चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो क्या हो, बहुत ही शक्तिशाली हो, दूरदर्शी हो बैरम खां की तरह, और उसने बना दिया अतगा खां को। ये वाकई बहुत ही अच्छा व्यक्ति था अतगा खां, और इसको बना दिया वजीरे आजम। अकबर ने वजीरे आजम किसको बना दिया, अतगा खान को। और इधर क्या हुआ, बैरम खां की जो पत्नी, बैरम खां की मृत्यु के बाद बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम, ठीक है, सलीमा बेगम से विवाह भी कर लिया। अब यहीं पे जो है उनके नाम पर धब्बा लगा, पहला धब्बा उनके नाम पर, पहला धब्बा लगा। पहला धब्बा क्या लगा दोस्तों, धब्बा ये लगा कि बैरम जो अकबर का संरक्षक था, जिस समय अकबर 14 साल का था, तो बैरम तो 14 साल का नहीं था ना, बैरम तो उसके पिता के समान था, और अगर बैरम खां उसके पिता के समान था तभी तो संरक्षण करता था। हाँ बोलिए भाई, 14 साल का लड़का का संरक्षण 18 साल का लड़का थोड़े करेगा। तो कहीं न कहीं जो है बैरम खां उस समय क्या था, काफी एजेड था इनसे, अकबर से। और अकबर ने क्या किया, बैरम खां की मृत्यु के बाद उसकी ही पत्नी जो उसकी माँ के समान थी उससे विवाह कर लिया, सलीमा बेगम। तो जब जब अकबर के महानता पर प्रश्न उठता है ना, तो अकबर हर जगह सही था, लेकिन अकबर के जब हरम दल की बात करते हैं, अकबर के स्त्रियों के साथ संबंध की जब बात होती है, बस वहीं पे अकबर के ऊपर उंगली उठनी शुरू हो जाती है, और इतनी उंगली उठती है कि शायद उसकी महानता भी उसके पैरों तले दब जाती है, उसके नहीं लोगों के पैरों तले दब जाती है। इन्होंने क्या किया, अब इसी बात का इशू बनाया गया, उन्हें माँ समान माता से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। चलो ठीक है, और याद रखिए ये अकबर की दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी के बारे में बताऊंगा, वो इसके भाई की ही पुत्री थी, समझ रहे हैं, आगे बताता हूँ। फिर क्या हुआ, जो 4 साल का पुत्र था अब्दुल रहीम, उसको खान खाने की उपाधि देकर अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया, नाम हो गया अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, वो कोई दिक्कत, यही अब्दुल रहीम खान खाना आगे चल के जहांगीर की शिक्षा दीक्षा के लिए कार्य करेगा। 1560 से 62 तक जो है महामनगा का शासक था, शासन था। महामनगा क्यों, क्योंकि देखिए अकबर का एक हरम दल था, हरम दल माने होता है, हरम दल में काफी सारी स्त्रियां थी और वो सब अकबर की दासियां थी, ऐसे मान सकते हो। उस हरम दल में एक महामनगा भी थी जिनके साथ वह रातें बिताता था, पत्नी के अलावा। उस अकबर के हरम दल में कहा जाता है कि लगभग तो 5,000 औरतें थी, ठीक है, लगभग कितनी औरतें थी, 5,000 औरतों से इसके संबंध थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर अंगुली उठती है बहुत सारे मैटर पे, और महामनगा हरम दल से बाहर आकर यहाँ ने पूरा का पूरा शासन बैरम खां के जाने के बाद पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि सब षड्यंत्रकारी थी, और इसके ग्रुप में इसकी माता भी थी अकबर की, हमीदा बानो बेगम, वो भी तो चाहती थी कि बैरम खां हट जाए रास्ते से, इसकी धायमा महामनगा वो भी चाहती थी हट जाए, हट गया, हट गया, तो महामनगा ने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया, और इसी शासन को जाना जाता है पेटीकोट शासन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, पेटीकोट शासन,
याद रखिए, कभी कभी एग्जाम पूछता है पेटीकोट शासन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा। अब हुआ क्या आगे कि महामनका का जो पुत्र था आदम का या अधम खा, दोनों नाम मिलता है, दोनों नाम याद रखिए आप, ठीक है। किताबों में मिसप्रिंट है, मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल नाम क्या था क्योंकि आधार कार्ड वगैरह बनता नहीं था तो क्लियर नहीं। तो महामनका के बहुत पीछे भी नहीं पड़ा इस चीज की क्लियरिटी के अंदर, पता चल ही जाता, फिलहाल आप लोग ध्यान दीजिए। महामनका का जो पुत्र था, महामनका चाहती थी कि उसका पुत्र जो है वो किसी तरह राजा बने। उसके मन में कहीं ना कहीं इस तरह की खोट विचारधारा थी और अपने पुत्र को समझाती कि तुम राजा के निगाह में पहले अच्छा बनने की कोशिश करो, जब तुम अच्छा बनोगे तब तुम बड़े पद पर आओगे। समझा बुझा के ओके किया। 1561 में मालवा के ऊपर लड़ाई कर लिया किसने, आदम खान ने। मालवा का राजा था राजा बंदा बाज बहादुर। एक जो भी अच्छे अच्छे लोग आएंगे ना दोस्तों, उनके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बना के कवर करूंगा। जैसे ही अकबर को समाप्त करता हूँ इनके बारे में बताऊंगा। इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था रूपमती। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत फेमस थी, बंदा बाज बहादुर और रूपमती। तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, जल्दी बनाऊंगा, बस 1-2 दिन में वेट करिए आप लोग, ठीक है। तो मालवा का राजा था बंदा बाज बहादुर, उसको हरा करके वहां की सूबेदारी जो है अकबर से मांग ली। अकबर भी खुश हुआ कि यार चलो बैरम खान जैसा कोई शक्तिशाली युवक जो हमारे राजदरबार में है, हमारी सेना में है। मिस्टेक क्या क्या हुआ कि इसने कर दिया जल्दीबाजी। किसने, महामनगा के पुत्र ने कर दिया जल्दीबाजी, आदम खान ने। और आदम खान ने जो अकबर का वजीर था उसको ही टपका दिया, बोला अगर ये रास्ते से हट जाए तो अकबर तुरंत हमारे ऊपर खुश है, तुरंत हमको वजीर आलम बना देगा, और मार दिया अदगा खां को। अरे पागल आदमी, थोड़ा आराम आराम से काम किए होते, इसने जल्दीबाजी में अतगा खां को मारा दिया। और अकबर इस बात से चिढ़ गया, अकबर ने उसको एक मीनार से ऊपर से रस्सियों के थ्रू फेंक दिया नीचे, नीचे मर गए आके आदम खां, कहानी खत्म। और महामनगर रोक भी नहीं पाई, क्या रोकेगी, क्या रोकेगी, हिम्मत नहीं थी। और इस शोक में महामनगा भी चल बसी, कहानी खत्म होती जा रही है। माँ बेटा दोनों का आगे चल के मेहरौली में एक मकबरा बनवाया, खुद अकबर ने इस मकबरे को तैयार करावा, और इसकी जो बनावट है यह अष्टकोणी है। अब मैटर आता है दोस्तों कि अष्टकोणी मकबरा ही क्यों बना, ये भी आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है। तो अष्टकोणी मकबरे की शुरुआत हुई थी लोधी वंश में, अष्टकोणी मकबरे की शुरुआत हुई थी लोधी वंश में। और लोधी क्योंकि गद्दार थे, कौन मानते थे, मुगल मानते थे कि लोधी जो है गद्दार है। क्यों गद्दार मानते थे, क्योंकि लोदियों ने लड़ाई किया था इनके दादा से, बाबर से लड़ाई किसने किया था, लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, ठीक है। तो ये लोदियों को गद्दार समझते थे, और क्योंकि गद्दारों को मकबरा अष्टकोणी है इसलिए कहा जाता है कि माँ बेटा ये दोनों गद्दार निकले। और अंततः इनका भी मकबरा अकबर ने बनवाया, तो लेकिन अष्टकोणी मकबरा बनवाया, ठीक है। 1830 में एक पागल अंग्रेज था, जिसका अंग्रेज अफसर था, जिसका नाम था ब्लैक, उसने इस मकबरा को अपना निवास स्थल बना लिया। हालांकि बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला वो, उसी जो है वहीं पे, मतलब उसी निवास स्थल में कुछ दिन बाद मृत पाया गया और उसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई। फिर ये हुआ कि यार अब इतने बड़े कोठी का क्या किया जाए, तो उसको लोगों ने पुलिस स्टेशन बना दिया। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उस मकबरे को लोग पुलिस स्टेशन बना दिया। कुछ दिन पुलिस स्टेशन चला, मजा नहीं आ रहा था, फिर उसको डाकघर बना दिया। और अंततः जब करजन का समय आता है 1899 से 1905 तक, तो करजन ने वहां से ये डाकघर हटवा करके और उसको जो है सुरक्षित किया, क्योंकि स्मारकों को सुरक्षित करने का पूरा श्रेय करजन को जाता है, ठीक है। पूरे भारत में जितने स्मारक थे सभी स्मारकों के लिए उसने नियम कानून बनाए और उसको सुरक्षा की दृष्टि से वहां से डाकघर से खाली करवाया और उसको सरकार के अंडर में ले लिया, ठीक है। 1562 में जब मृत्यु हो जाती है महामनगा की, तो हरम दल की भी समाप्ति हो जाती है, ठीक है। और यहीं पे फिर अकबर ने क्या किया, दास प्रथा का अंत कर दिया। अब बताऊंगा कि दास प्रथा का अंत माने क्या होता है, ठीक है, अभी ऐसे टॉपिक दे दे रहा हूँ आपको। दास प्रथा का अंत कर दिया 1563 में, ठीक अगले साल इसने तीर्थ यात्रा कर जो लगता था वो समाप्त कर दिया। और 1564 में जजिया कर और बाल हत्या पर भी रोक लगा दिया, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी आप एक एक लाइन सुनते जाइए और हर एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस सन ये जरूर याद रखिएगा, 1562, 1563, 1564, वो मैं यहाँ इसलिए दे दिया कि जब बार बार आपके माइंड में जाएगा तो रिवाइज होता जाएगा। आखिरी पेज है और यहाँ देखिए फिर क्या होता है। 1565 में इसी तरह उसने सती प्रथा पर रोक लगाया, और 1567 पर में अधिक मद्यपान पर रोक लगाया, मद्यपान पर नहीं, अधिक मद्यपान। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है अकबर के साम्राज्य विस्तार की, और यहीं से मुझे डिटेल में पढ़ाना शुरू करना है। जो हम बात कर रहे थे पीछे मालवा के बंदा बाज बहादुर के बारे में,
बाज बहादुर से लड़ाई हुआ था 1561 में, अकबर ने भी शामिल था इस युद्ध में, और उस लड़ाई में बंदा बाज बहादुर परास्त हुआ, और उसकी पत्नी जो रूपमती थी उससे भी अकबर विवाह कर लेता, क्योंकि रूपमती अति सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन रूपमती ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जहर खाकर अपनी जान दे दी। इन दोनों की समाधि, बंदा बाज बहादुर और रूपमती दोनों की समाधि जो है ये उज्जैन में बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद जो है आमेर का शासक एक था भारमल, जिसका नाम था, ठीक है, भारमल को दोस्तों कई जगह बिहारी मल भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, भारमल ही क्या था, बिहारी मल था। भारमल पहला ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की अकबर की, सबसे पहले अधीनता स्वीकार, क्योंकि अकबर की बहुत गंदगी थी, दरिंदगी उस समय थी कि अकबर जहां भी हमला करता था उसकी सेनाएं जो हैं वो बहुत ही उत्पात मचाती थी और बड़ा ज्यादा ही नरसंहार करती थी, बहुत ज्यादा, ठीक है, सरों काट कर मुंडियों की मीनारे बना देना, ठीक है, उसको अपने भाले में लगा के घूमना, तो इस तरह की चीजें हुआ करती थी। 1562 में जब अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने जा रहा था, दर्शन करने जा रहा था, उसी समय भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई से विवाह का प्रस्ताव रखा अकबर के लिए। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ी सी। देखिए, अकबर पहले ही एक संदेशा भारमल के यहाँ भिजवा दिया था कि आपकी पुत्री से अगर हमारा विवाह हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग कहते कि नहीं, भारमल ने खुद कहा, लेकिन ये चीजें हैं कि अकबर ने एक संदेशा पहले भिजवाया था, लेकिन भारमल उस संदेशे पर एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद अकबर ने बहुत जबरदस्ती भी नहीं करना चाहा, अकबर दर्शन के लिए जा रहा था, लेकिन भारमल को लगा कि लगता है यह प्रस्ताव ठुकराने की वजह से अकबर अपनी सेना लेकर चल पड़ा और ये हमारे ऊपर लड़ाई करने आ रहा है, और भारमल किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहता था, क्योंकि अकबर की सेना वाकई बड़ी थी और बड़ी नरसंहारक सेना थी। भारमल ने तुरंत आके सरेंडर कर दिया अकबर के सामने, बिना किसी बातचीत का सरेंडर कर दिया कि भाई ऐसा है कि शादी करना है ना, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं, मैं अपनी पुत्री की शादी आपसे करने के लिए तैयार हूँ, विवाह आपसे करने के लिए तैयार हूँ। और उसने कहा कि भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किससे करा दिया, अकबर से। इसी हरखाबाई से पुत्र पैदा हुआ है जहांगीर। भारमल का एक और पुत्र था दोस्तों भगवान दास, भारमल का एक पुत्र था भगवान दास, और इसी का पोता था मानसिंह, इसी का पोता था मानसिंह। बात को समझते चलिएगा, आगे बड़ा काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है, तो इस चीज को समझिए। भारमल का ही पुत्र था भगवान दास और उसी का पोता था मानसिंह, और पुत्री थी हरखाबाई। यही हरखा भाई के बचपन का नाम दोस्तों हीर कुंवर था। इसी हरखा भाई के बचपन का नाम क्या था, हीर कुंवर था, क्योंकि बहुत ही सुंदर वो स्त्री थी, बहुत ही सुंदर। जब इसकी विवाह हो जाता अकबर से, तो अकबर मतलब कि मुगल वंश में आ गई, तो अब इस हिंदू का नाम चेंज करके मुस्लिम टाइप में हो गया, मरियम उज्जमानी, ये भी उसी का नाम था। शुरू से मुसलमान नहीं थी, शुरू में तो हिंदी थी, बाद में इसने मुस्लिम इस्लाम को एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन नाम जो इसका अकबर नामा में वगैरह मिलता है, अबुल फजल द्वारा जो रचित है अकबर नामा, उसमें नाम मिलता है मरियम उज्जमानी, और इसको प्यार से जोधा भी कहा जाता था, जोधा बाई। अब अकबर, जोधा अकबर की कहानी आपने सुना होगा, कि जोधा अकबर की प्रेम कथा, तो प्रेम कथा भी मैं आपको बता ही देता हूँ। फिलहाल अकबर की जो पहली पत्नी थी वो थी रुकैया बेगम। अकबर का जो पहला विवाह हुआ था वो था रुकैया बेगम, और अकबर ने विवाह किया था अपने ही चाचा, सगे चाचा की लड़की से, मतलब अपने ही बहन को रखा था इसने। हालांकि उसमें ऐसा नहीं होता है, उस समय जो है मुगलों में ये चीजें चलती थी, लेकिन हमारी नजर में चीजें गलत है, वो अलग बात है। तो हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम थी, उससे अकबर का पहला विवाह हुआ था, जिस समय अकबर मात्र 9 वर्ष का था, मात्र 9 वर्ष का था, हुमायूं में जिंदा थे, तो रुकैया बेगम से हो गया था विवाह। दूसरा विवाह इसने किया बैरम खां की पत्नी से, जो इसके माँ के समान थी, बात को समझिएगा। तो बैरम खां की पत्नी से, इसी से अब्दुल रहीम खान खाना था। और तीसरा विवाह किया था किससे, जोधाबाई से। हाँ, पहली हिंदू महिला ये थी जोधाबाई या हरखाबाई। तो अब बात आता है कि यार अकबर जोधा का प्रेम कथा क्या था, तो अकबर जोधा का प्रेम कथा यही था कि अकबर ने जोधा को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने कहा आप जिस भी धर्म में रहना चाहते हो रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो पहले तो जोधाबाई बड़ी गुस्सा थी, लेकिन अकबर के इस रवैये से जोधा के मन में थोड़ा थोड़ा प्यार उभरता है और जोधा को धीरे धीरे प्यार हो जाता है। यही कहानी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अकबर ने क्या किया, अकबर ने इसके साथ रुष्ट व्यवहार नहीं किया कि नहीं आप जो है जबरदस्ती अपना नेचर चेंज करो। उसके पीछे भी रीजन था।
अकबर का जो बचपन था वो हिंदू शासकों के मध्य बीतता था। राणा वीरसाल बचपन कहाँ बीता था? वहीं बीता था भाई। अगर राणा वीरसाल नहीं रहता तो बताओ इसकी देखरेख कौन करता? हो ही नहीं सकता था। तो इसका बचपन हुआ तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में इसकी थोड़ी बहुत आस्था थी। हाँ, साम्राज्य विस्तार की जब बात आती थी तो ये सारी चीजों को भूल जाता था, लेकिन हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं आस्था थी और आगे चल के आस्था बढ़ती गई और बनती गई। तो जोधा बाई और अकबर के बीच में यही प्रेम करता था। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, हरखा बाई और हीर कुंवर मरियम उज्जमानी जोधा बाई पढ़ के, ये चारों एक ही व्यक्ति हैं। हालांकि और बहुत सारी रानियां हैं, मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा और आगे के पार्ट में दोस्तों, अभी बस करता हूँ, बहुत लंबा चल गया वीडियो। और आगे के पार्ट में हम लोग साम्राज्य विस्तार में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है? और पहले साम्राज्य विस्तार में लंबे से मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर बीच में जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट रहेंगे, जैसे अभी अच्छा पॉइंट इसमें निकल गया कि बंदा बाज बहादुर रूपमती के बारे में आपको बताना है, तो एक अलग से वीडियो उसका बना दूंगा। इसी तरह आगे चल के एक रानी दुर्गावती का नाम आपको मिलेगा, वो भी बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अकबर का बस चलता तो उनसे भी विवाह कर लेता, और उन्होंने भी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए क्या कर दिया, अपने ही पेट में अपना छुरा घोप कर अपनी ही जान दे दी। तो ऐसे ऐसे करेक्टर आपके सामने आएंगे और उन सभी लोगों के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा बिना किसी हिचक का, ठीक है? तो ये मुगल पीरियड अब शुरू हो गया और आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है? बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा मुगल पीरियड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमारे चैनल ने एक और चैनल शुरू किया, एग्जाम ट्रेंड। वहां से आपको करंट अफेयर्स की भी चीजें स्टार्ट कर दी गई हैं, वहां से आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं, और जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे सब्जेक्टिव चीजें चलेंगी, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर टाइप के हर टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। साथ ही साथ Study91 को भी प्रमोट करिए, क्योंकि आपका फर्ज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़े। आपके चैनल पर यदि ऐड आता है तो प्लीज उस ऐड को पूरा देखा करिए दोस्तों, ऐड को स्किप मत किया करिए। ऐड के नीचे एक और ऐड देता है, जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो नीचे एक और ऐड दिखता है, उस पर क्लिक कर दिया करो, ओनली वन चांस प्लीज। अगर आप देखिए, मैं आपसे क्या कहता हूँ ना, मैं कुछ अलग से नहीं कहता हूँ आपसे, ना ही अलग से कोई डिमांड करता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरा कहना मान लोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।